समस्तीपुर जिले के चकमहसी थाना क्षेत्र के माली नगर पंचायत अंतर्गत बरगामा गांव में करीब 9 बजे सुबह दो गुटों में आपसी विवाद में गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें बरगामा गांव निवासी विनय कुमार ठाकुर गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनको चिकित्सा हेतु PSC कल्याणपुर भेजा गया, जहां से गंभीर अवस्था में देखते हुए डॉक्टर ने सदर अस्पताल समस्तीपुर में रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी चिकित्सा की जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष के कैलाश नाथ शर्मा की पत्नी की चिकित्सा अनुमंडलीय अस्पताल पूसा में की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार विनय कुमार ठाकुर अपने खेत में परवल तोड़ रहे थे। इसी बीच दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज बातावाती हुई। इसी क्रम में एक युवक द्वारा गोली चला दी गई, जिससे श्री ठाकुर जख्मी हो गया। समाचार प्रेषण तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकी है। हालांकि घटना स्थल पर स्थानीय पुलिस जांच में जुटी है। थाना अध्यक्ष मोहम्मद खुशबुद्दीन ने बताया कि घटना आपसी विवाद को लेकर हुई है। आवेदन मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी दोनों पक्षों के बीच इस तरह की घटना होने की चर्चा है। आरोपी को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है, जल्द ही दोषी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर गांव में दहशत का माहौल है एवं दोनों पक्षों में तनाव व्याप्त है। सब्जी के खेत में परवल रोज है, इसी क्रम में कैलाश नाथ शर्मा गाली गलौज अपने आप करने लगे, हमको देखे। उसके बाद हम बोले कि हमको काहे गाली गलौज कर रहे हैं, तो वो अपने बेटा को बुलाए, सलारे अभी मौका है, यहाँ आ जाओ, अभी मारो साले को बोली। इसी क्रम में वो निकला और गोली भरते हुए दौड़ते तो आया और हमारे ऊपर गोली चला गई। हमारे तो चार चेस्ट को मारने के लिए तो हम छप गए। इसी क्रम में हमारा कंपनी अब ये पाए और पूरा आँख जलन पूरा बहुत ज़्यादा आँख वगैरह ये पोजिशन में। पहले से किसी चीज़ का विवाद नहीं चल रहा जी सर? इससे पहले भी हमारे ऊपर वो गोली चलाया, उस समय भी गोली चलाने ही केस फौजदारी हुआ था। फिर उसको हमको दो रात हमको घेर घेर के वो चाहा जान से मार देने के लिए, बोला जो केस उठा लो नहीं तो जान से। किस चीज़ को लेकर के विवाद चल? कोई वर्चस्व के लिए वो अपने आप को ये दामा समझता है और बहुत कम से कम टोला में 3-4 आदमी के ऊपर गोली चलाया और हम उससे नहीं डरते हैं। इसी क्रम में ये चाहता है कि हमसे दगा करें। नेशन भारत के न्यूज रूम से शिवानी पांडे की रिपोर्ट। देश और दुनिया के तमाम बड़े खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को।